आकाशवाणी मुंबई प्रस्तुत कर रहा है मनोरंजन मंडली द्वारा मंचस्थ हास्य नाटक हाय मैं क्या करूं, जिसके लेखक हैं विवेक चटर्जी। इसे प्रस्तुत कर रही हैं तनुजा कानडे। तो आइए सुनते हैं नाटक हाय मैं क्या करूं का भाग तीसरा। श्रोताओं, अभी तक आप सुन चुके हैं कि मीनाक्षी डाक बंगले से निकलने के लिए झूठ पर झूठ बोलती चली जाती है, लेकिन एमडी उसे वहां से जाने नहीं देता। वहां पर समरेश अपने एक रंगकर्मी मित्र विनय को मीनाक्षी का पति बनाकर डाक बंगले भेजता है मीनाक्षी को वहां से निकालने के लिए। विनय डाक बंगले आकर एमडी से मिलता है। एमडी पहचान जाता है, उसको शक हो जाता है कि ये विनय झूठ बोल रहा है। तभी मीनाक्षी वहां आती है। विनय मीनाक्षी का पति बनकर मीनाक्षी से मिलता है। मीनाक्षी पहचानने से इनकार करती है। बाद में विनय मीनाक्षी को समझाता है कि समरेश ने उसे उसका पति बनाकर वहां से लाने के लिए ही उसे यहाँ भेजा है। बाद में मीनाक्षी विनय को अपना पति बताकर वहां से चलने लगती है, लेकिन क्या वो वहां से निकल पाई? तो आइए ये सब जानने के लिए सुनते हैं हाय मैं क्या करूं का भाग तीसरा। ठहरो ठहरो मीनाक्षी, तुम्हें पूरी तरह यकीन हो गया है कि ये ही तुम्हारे पति हैं? 100%। दरअसल मैं आपको देख के डर गई थी। वैसे आप मुझे कुछ नहीं कहते, पर रघु बेचारे पर शाम आ सकती थी। उसने हम लोगों की 4-5 दिन बहुत खातिर की, और मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ आप कोई अन्याय करें तभी झूठ बोलना पड़े। क्यों मीनू डार्लिंग? हाँ मीनू डार्लिंग, पर मुझे यकीन है कि आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। अच्छा अब आशीर्वाद दीजिए, हम चलते हैं। रुक जाओ, आशीर्वाद तो ले लो पहले। ईश्वर तुम्हारी जोड़ी हमेशा हमेशा बनाए रखे। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी, अब दूर हो गई है। आप मेरे मेहमान थे, आधे घंटे और रहे। हाँ, हाँ। क्यों बीनू? क्या कह रहे हो? नहीं नहीं जी, शुक्रिया। देखो बीनू, समरेश मेरा सबऑर्डिनेट ही नहीं बल्कि दोस्तों जैसा है, और अपने दोस्त को उसके दोस्त की बीवी के साथ मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। मैं तो चाहूंगा कि तुम लोग यहीं पर रुको। अरे भाई रही मेरी बात, तो मैं कबाब में हट्टी नहीं बनूंगा तुम लोगों के बीच। मुझे अभी रानीखेत जाना है इंस्पेक्शन के लिए, और आगे 3-4 दिन भी मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी तरफ से 3-4 दिन यहाँ पर रुको। क्यों विनू? जी नहीं, अब मुझे यहाँ और रुकने के लिए उनसे परमिशन लेनी होगी। किससे? अब मेरा मतलब है इनसे, इनसे। हाँ, तो ले लो ले लो। दे दी। क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ मुझे भी तो यहाँ ठहरने के लिए समरेश से परमिशन लेनी होगी। तो जाके ले आओ। अभी जाता हूँ। डा 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 डा। लेकिन सर वो तो गया है अपने दादी की शादी में शामिल होने जबलपुर। दादी नहीं, नानी। हाँ वही दादी की नानी, मेरा मतलब है नानी। शाब, मैं ये पूछने आया था कि नाश्ता लगाऊं क्या? रघु, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ। अब तुमने इन दोनों को यहाँ पर ठहरा के बहुत ही अच्छा किया। थैंक यू साहब, थैंक यू। तुम्हारा तो प्रमोशन पक्का। थैंक यू साहब। अच्छा अब जाकर नाश्ता लगाओ। अच्छा साहब। सर बहुत अच्छा आदमी है, बहुत जल्दी एक्सप्लेन हो जाता है। मीनाक्षी तुम भी हंसो, शायद इसने कोई हंसने वाली बात कही है। तुम्हारे हंसने और रोने में कोई फर्क नहीं है। खैर कोई बात नहीं, देखो देखो बीनू, मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। तुम्हें अपनी नई नवेली बीबी को इस तरह नैनीताल के गेस्ट हाउस में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वैसे नैनीताल के लोगों की तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक से एक चोर उचक के बदमाश टूरिस्ट आते रहते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। हाँ सर, इनसे बच के रहना चाहिए। अरे कोई नहीं बच पाता है, अरे तुम जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तुम्हारे ही जैसा एक कपल हनीमून मनाने नैनीताल आया। 2-4 दिन बड़े हंसी खुशी के साथ गुजारे, जाते वक्त
उसका पति टैक्सी लेने चला गया और बीबी मेकअप करने लगी। इतने में एक आदमी सीढ़ी चढ़कर ऊपर आया और बोला, मैम साहब, साहब नीचे इंतजार कर रहे हैं। वो औरत सामान सहित नीचे उतरी। उस आदमी ने उस औरत को सामान सहित टैक्सी में डाला और 9:49 हो गया। क्या ऐसा भी होता है? होता नहीं, हुआ है। शाम को सामने मैदान में देखना, उसका पति पागल हो गया है, चिल्लाता फिरता है, बीवी ओ बीवी, कोई उसे अस्पताल तक नहीं ले जाता। सर, उसकी पत्नी का क्या हुआ? उसे ले जाकर कहीं बेच दिया होगा या सामान और इज्जत लूटकर किसी पहाड़ी से नीचे धकेल दिया होगा। ऐसी बेवकूफ औरतों का यही अंजाम होता है। जान ना पहचान और जल्दी अजनबी के साथ। क्यों बीनू? सुनिए, मैं बोलो बोलो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वही बात सुनने के लिए मीनाक्षी मैं बहुत देर से बेताब हो रहा हूँ। सर, दरअसल ये बोलो, दरअसल ये मीनू, दरअसल ये मीनू मेरे पति नहीं है। मैंने नहीं जानती मीनू, तुम पर फिर से बोला पड़ गया। शट अप। अरे क्या कह रही हो, मेरी धर्म पत्नी? नहीं नहीं, ये मेरे पति नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपसे झूठ बोला था। कोई बात नहीं माय लिटिल बेबी, कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स बेबी। मैं चुप हो जाओ, मैं जरा पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को? सर, पुलिस को फोन मत करिए। आप यकीन कीजिए, मैं कसम खाकर कहता हूँ अपने पड़ोसियों की कि मैं ही इसका पति हूँ और पति के सिवा कुछ नहीं हूँ। अरे, इस पर भूलने का दौरा पड़ रहा है। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम इसके पति हो? लो, कर लो बात। अरे, पति होने का क्या प्रमाण होता है? अभी बताता हूँ, बताइए। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ, पुलिस स्टेशन। अरे भाग लो, भाग लो। देखा, मैं ना कहता था कि यहाँ पर एक से एक चोर उचक्के लफंगे आते रहते हैं। तुम्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं, अब तो और ज्यादा ठीक नहीं। देखो देखो, तुम रो नहीं, तुम्हारे रोने से मेरा दिल घबराने लगता है, धक धक होने लगता है। देखो, मैं रानी खींच जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी अब। ओह माय गॉड, देखो मीनाक्षी, आफ्टर ऑल आई एम मैन ऑफ करेक्टर, अपने करेक्टर के बल पे ही एमडी बना हूँ। रघु जी साहब, देखो रघु, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए माफ कर रहा हूँ। अब ये मैम साहब कहीं गई या तुमने इन्हें जाने दिया तो मैं तुम्हें नौकरी से ही नहीं निकालूंगा बल्कि जेल भेज दूंगा, जेल। आप गधे हैं, बेवकूफ हैं। देखो यार समरेश, जो कुछ हुआ उसका मुझे भी बहुत दुख है, मगर यार तेरे इस फ्रस्ट्रेशन से अगर मुझे डिप्रेशन हो गया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। बाकी बचा ही क्या है, बड़े एक्टर बनते हैं। एमडी ने दुलत्ती झाड़कर सारी एक्टिंग निकाल कर रख दी। अरे यार, मेरी भी सुनेगा या अपनी ही कहे जाएगा? अरे, तेरे पास है ही क्या कहने को? देख समरेश, मेरी सारी मेहनत पर यूं पानी मत फेर। अरे, जैसी एक्टिंग मैंने की है वैसी कोई कर भी नहीं सकता। अरे मैं क्या करता, भाभी ने प्रॉपर रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बस सारा खेल बिगड़ गया। अबे, तुम थिएटर वालों को मैं खूब जानता हूँ, आखिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई चीज होती है? होती है, होती है, जरूर होती है भैया। और कम से कम तुम्हारे पास तो इफरात में है। क्या मतलब? मतलब क्या घुइया है? अबे, दूसरों की नंगाई बताने से पहले अपना पजामा देख। अब ये पैंट क्या देख रहा है, सीधा खड़ा हो। अबे, इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो अपनी नई नवेली दुल्हन को अमरीश पुरी के हाथों सौंप कर यहाँ रोना ना रोते। अबे देख, एक तो टूटा हुआ हाथ लेकर गया और ऊपर से इतनी जोरदार एक्टिंग की। अब अगर सीन क्लिक नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बोल। नहीं यार, तेरा कसूर नहीं है। अब मैं क्या करूं, एमडी तो मीनाक्षी को लेकर चला गया है रानीखेत, न जाने बेचारी कैसी मुसीबत में होगी। गुइया होगी मुसीबत में। अरे मजे कर रही होगी, मजे। विनय, होश की बात करो। अरे होश की बात तुम करो समरेश। मैं एमडी को जानता हूँ, वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का आदमी है।
फिर तेरा डर भाभी से है क्या? हाँ यार, वो बड़ी भोली है, और अगर उसने कहीं एमडी के सामने असलियत खोल दी तो मेरी नौकरी तो गई समझो। हाँ बेटा, और ज्यादा देर तक बात पचा कर पेट में रख भी तो नहीं सकती। तो क्या मीनाक्षी सब कुछ बता देगी? हो भी सकता भैया, और नहीं भी हो सकता। अबे तो मैं क्या करूं? रघू से चूहे मार दवा मंगवा और पी ले। क्या अबे अपने अपनी को फेस कर सकता है? और रास्ता ही क्या हो सकता है? मगर मीनाक्षी ने सिचुएशन का सत्यानाश कहां तक किया है ये मुझे क्या मालूम। करेक्ट बेटे, करेक्ट। हाँ, यही मुसीबत मेरे सामने भी आई थी, और मैंने तो एमडी को पूरा यकीन दिला दिया था कि मैं ही भाभी का पति हूँ, मगर यार उससे पहले ही वो सारा गुड़ गोबर कर चुकी थी। अरे वो तो मेरी एक्टिंग का कमाल था कि मेरे साथ चलने को तैयार हो गई, मगर सत्यानाश हो उस एमडी का। उसने एक ऐसा जहरीला किस्सा सुनाया कि भाभी तो समझी कि मैं लफंगा हूँ। हाँ? अरे बधाई हो, बधाई। थैंक यू, किस बात की? अरे यार मीनाक्षी ने तुम्हें सही समझा। देख समरेश, बात मेरे बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है, अगर दोस्ती का ख्याल नहीं होता तो अब तक तो शाप। चाय, पांचवी दफे चाय पिला रहे हो। विनय चाय लो। हम चाय नहीं पियेंगे। शाप पी लीजिए, कोई खास अच्छी तो नहीं है, पी कर देखिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। तुम्हें किस बात का डर है? नौकरी जाने का शाप। अरे यहाँ मेरी बीवी जा रही है और तुम्हें नौकरी जाने की पड़ी है। अरे यार जरा हिम्मत से काम लिया करो। शाप, हिम्मत हिम्मत तो आपकी है शाप। एमडी शाप ने पुलिस का नाम लिया और आप बड़ी हिम्मत से 9-10-11। I'm sorry विनय। That's all right यार। यार अब इससे पूछो कि भाभी ने एमडी साहब को क्या क्या बता दिया। मुझे क्या पता कि क्या क्या बता दिया। तो फिर किसे पता है? मुझे ये भी नहीं पता। रघु, ये मेरी इज्जत का सवाल है। कभी कभी तो सोचता हूँ जाकर एमडी साहब के सामने सरेंडर कर दूं, ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन ही नहीं मिलेगा। बीवी तो मिल जाएगी। मुझे मेरी बीवी जरूर मिलेगी। मिलेगी मिलेगी जरूर मिलेगी भैया। यार संदेश, एक बार मेरा नया स्कूटर खो गया था, मिला 3 महीने बाद मिला, लेकिन टूटी फूटी हालत में। विनय, ये मजाक का वक्त नहीं है। ओहो, आप दोनों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। शाम को एमडी साहब आ जाएंगे, कुछ करिए। फिर ना कहना रघु ने कुछ कहा नहीं था। हाँ समरेश, ऐसा करो अभी हम यहाँ से चलते हैं, उन दोनों को रानीखेत से वापस आने दो, हम आकर यहाँ जबरदस्त धावा बोलेंगे, और इससे पहले सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है ये मालूम करने के लिए किसी को यहाँ भेज देंगे। जरूर जरूर, ताकि वो यहाँ आकर नया हंगामा खड़ा कर दे। रघु, अब ऐसी कोई बात नहीं होगी, हम होशियारी से काम लेंगे। साहब, हम आपकी होशियारी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। 9-2-11। शट अप। अरे यार इसे छोड़ो। ठीक है यार समरेश, तुम्हें एमडी के कैरेक्टर पर यकीन है? 100%। और भाभी के? 200%। बस बेटे बस, यही तो गड़बड़ है। अरे जब दो अच्छे कैरेक्टर मिल जाते हैं ना, हाँ। तभी तो वो होती ना। क्या? अरे वो क्या कहते हैं उसको, हाँ वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अब कुछ नहीं भैया, अच्छा मैं चलूंगा, मेरी रिहर्सल का टाइम हो गया। अबे यहाँ मेरी जिंदगी का शो खराब हो रहा है और तुझे रिहर्सल की पड़ी है, मेरा क्या होगा? हाय मैं क्या करूं? मैं बताता हूँ, तू क्या कर। अबे सुन, फिलहाल यहाँ से चलो और किसी को भेजकर यहाँ के हालात पता कर लेंगे। हालात मतलब? हालात, अबे तू हालात नहीं जानता? अबे लल्लू, मान ले अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें अपना मियां मानने से इनकार कर दे तो हाँ, इसे कहते हैं बिगड़े हुए हालात। अबे अपने एमडी के सामने फजीहत करवाने से तो अच्छा है। अबे तेरे पास कुछ रुपए हैं? हाँ ये 50 का नोट है। बस 50 रुपए? बहुत कंजूस यार। अच्छा अब ये मेरे हुए ना? हाँ तो ये ले मुझसे उधार 50 रुपए, और रघु से चूहे मार दवा मंगवा और पीजे। नहीं 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 विनय, मीनाक्षी मुझसे बेहद प्यार करती है, सिर्फ मुझी पर मरती है। हाँ बेटा, और अगर मान लो कि सिचुएशन बदल जाए, क्या कंट्रास्ट हो जाए, क्या यानी कि एक और मीनाक्षी और दूसरी और एमडी। स्टॉप इट, कोई औरत ऐसा नहीं कर सकती। यार भैये, औरत की चाहत सब कुछ करा सकती है। अरे मेरे एंगल से सोच यार, औरत क्या चाहती है? पति हैं? कैसा पति? पैसे वाला पति, ऊंचा ऑफिसर पति, ऊंचे ओहदे वाला पति। तुम्हारे पास पैसा है? थोड़ा बहुत। ओहदा है? अभी नहीं। प्रतिष्ठा है? ये क्या होती है ये तो मुझे भी नहीं मालूम। अरे जो होती है तो होती है बेटा, पर तुम्हारे पास नहीं है, और औरत के लिए ये सबसे बड़ी चीज है। क्या?
प्रतिष्ठा। नहीं नहीं मीनाक्षी, ऐसा नहीं कर सकती। अरे बेटा, महिलाओं की महत्वाकांक्षा और मर्द की मजबूरी सब कुछ करा लेती है। अरे बड़े बड़े ऑफिसों में शादीशुदा बॉस और उसकी सेक्रेटरी से कौन नहीं जानता। और फिर तुम्हारा एमडी तो बचपन से कुंवारा है। अरे आखिरकार भाभी को उसके साथ रानी खेत जाने की क्या जरूरत थी यार भैया। ऐसा ना हो कि हम यहाँ बैठे ही रह जाएं और उधर पति पत्नी और वो वाला किस्सा शुरू हो जाए। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। अरे मैं कब कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मान लो, समझ लो, दोनों करेले और दोनों नीम चढ़े। तुम ही सोचो, रानीखेत तक गाड़ी की रोमांटिक ड्राइविंग, वहां का बदतमीज मौसम, खुशबूदार हवा, एक बूढ़ा मगर रंगीला और एक ख्वाहिशमंद दुल्हन बिल्कुल एकांत। देखो मेरी आंखों से, देखो समरेश, वो देखो। आपकी कार का रंग बहुत खूबसूरत है। नहीं, ये तो तुम्हारी खूबसूरती का सुरूर है, वरना। नहीं, मुझे वो रंग बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। थैंक यू मीनू। सुनो, तुम्हें और कौन कौन से रंग पसंद है? मुझे कार के लिए पिंक, ग्रे और चॉकलेट कलर। मेरे पास एक चॉकलेट कलर की गाड़ी भी है। ओह नो। ओह यस, टोयोटा। तुम कहो तो एक और खरीद लूं। कितने में मिलेगी ये? कोई 7-8 लाख की। ओह नो, इतनी गाड़ियों का हम क्या करेंगे? अरे तुम कहो तो मैं हवाई जहाज खरीद दूं। ओह तुम कितने अच्छे हो, बिल्कुल ओ नासिस। थैंक यू जैकी। सुनिए, हाँ, आपके प्यारों के पास भी गाड़ी हो सकती है। ये क्या कर रही हो? वो क्या गाड़ी वाली खरीदेगा? छी, उसने तो अभी स्कूटर एडवांस के लिए अप्लाई किया है। अरे क्या उसके पास स्कूटर भी नहीं है? है, कोई खटारा सा, लेकिन अब वो शादी करने के चक्कर में है ना, इसलिए नया खरीद रहा है। अच्छा, बाय द वे, मैं आपकी सैलरी के बारे में कुछ जान सकती हूँ? श्योर श्योर। क्या मैं तुम्हारी उम्र के बारे में जान सकता हूँ? क्यों नहीं, अब आपसे ये शर्म आया कैसे? इस क्रिसमस में मैं 20 की हो जाऊंगी और आपकी सैलरी? हाउ स्वीट, 20 की। जी, इस क्रिसमस में मेरी सैलरी 25,550 रुपए 50 पैसे क्रॉस कर जाएगी। ओह, ये सैलरी आपके प्यारों की भी है ना? ये क्या कह रही हो, उसे तो टोटल मिलते 5,550। और अगर वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया तो? मिलेंगे कोई 7,750। 25,000 तब भी नहीं। ओह, वो डायरेक्टर कब होगा? जब हम नहीं होंगे, हम और तुम और हम। है, ये बार बार तुम पीआरओ के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्या शादी करोगी उससे? नहीं, शादी तो मेरी हो चुकी है। हाँ, बेकार की शादी। क्या? हाँ, शादी बेकार की? हाँ, बिना कार वाली। अरे तुम्हें कितनी कारें चाहिए, कितने बंगले चाहिए,
मुझसे कहो मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारा है। लखनऊ वाली कोठी तुम्हारी है। और बैंक लॉकर तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। बोलो अब क्या कहती हो? कहो क्या सुनना चाहते हो? अरे बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? होगा होगा। नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसे जान से मार डालूंगा मैं, खून पी जाऊंगा। अरे पी लेना मगर जरा होश में आ और मेरा गला छोड़। अरे रघु एक गिलास पानी लाना। लाए साहब। मेरी समझ में ये नहीं आता मैं क्या करूं कहां जाऊं। अरे भैया मेरे साथ चलो, घंटे भर से समझा रहा हूँ, समझता ही नहीं। क्या नहीं समझता यार? अबे यार एमडी और मीनाक्षी वापस आते होंगे, यहाँ के हालात पता करने के लिए मैं अपनी एक दोस्त को यहाँ भेजूंगा, वो भाभी की सहेली बनकर आएगी। शाब पानी। अब तू पी ले। अरे रघु सुन, एक लड़की आएगी। आपकी लड़की शाब? अबे लड़की होगी तेरी, मेरी तो फ्रेंड है। अच्छा 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 सुन रघु, मीनाक्षी मेम साहब को सबको समझा देना जी, और चुपके से मेरी असलियत भी बता देना। अच्छा। कि कहीं वो मुझे लफंगाई ना समझ रही हो। कहना कि एमडी साहब के बहकावे में ना आए। अच्छा। और झूठ बोलती रहे। मेरी दोस्त आएगी, वो सब संभाल लेगी। शाब उनका नाम क्या? नीना, नीना विश्वास। समरेश अच्छा जल्दी चलो, अब देर करना ठीक नहीं है। ठहरिए साहब, एक बार फिर सुन लीजिए, मेम साहब को आप लोग एमडी साहब के सामने से खुशी से ले जाएं। उनकी गैर मौजूदगी में मेम साहब गई तो शमशो मैं भी गया। यार इसकी आदत बहुत गंदी हो गई है। ये ले 20 रुपए, मिठाई खा लेना। क्या साहब इतनी महंगाई में 20 रुपए? साहब 20 रुपए में तो सब्जी नहीं आती, मिठाई कहाँ से आएगी? अबे तो टॉफी से काम चला लेना। हैं? अच्छा सुन, नाम याद है? जी मीना विश्वास। अरे मीना नहीं, नीना, नीना। अच्छा साहब नीना, नीना। अबे समरेश अंदर नहीं, बाहर चल बाहर। अरे बाप रे बाप, लगता है एमडी साहब आ गए। अरे आप दोनों जाके छिप जाओ किचन के अंदर। चल जल्दी कर, जल्दी कर। तेरी के साहब बाहर आ जाइए, हम नहीं आएंगे। अरे आप भी जाइए साहब, पारो है। अरे मरी आना। पारो तुम जब भी आती हो बड़े गलत मौके पर आती हो। अब हमार मुंह ना खुलवा साहेब, हम कोई चोरी चकारी तो के नहीं जोन हरदम मुँह छिपाए रहे। हम जो करत हैं डंका की चोट पर करत हैं, ऐलानिया करत हैं। कौ के बाप की थांस से का जरा जवान संभाल के बात किया कर पारो। हेलो अब चमचा गिरी भी करन लागे। हम कही देते हैं पारो का पारा ना गरम करो मुंशी जी। हाँ अच्छा अच्छा हम चलते हैं, चलो विनय। ए पारो अब हम मुंशी हो गए हैं का? और नहीं तो का, एमडी हो जाओगे, अभी का मामला है। अरे एक के बाद एक मुसीबत है, एमडी साहब ने तो मुझे बिठा दिया यहाँ चौकीदारी पे और खुद चले गए रानी खेत। ए महारानी भी गई है का? हाँ हुई दया, पराए मरदवा के साथ रानी खेत चली गई। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है का? जाती नहीं तो क्या करती, मजबूर थी बेचारी। मजबूर? मजबूर तो हमाओ में रघु, हमारू तो 3 बरस से नहीं आए, हमाओ तो राह देखा थे। मजाक उजाक की बात और है रघु, तुम ही बताओ कभी हमार मन मचला, हमार पाँव फिसला? पारो अच्छा एक बात बता, तुझे पक्का यकीन है तेरा मर्द आएगा? यकीन? अरे धरती पाताल में चली जाए पर हमार मर्द हमें धोखा नहीं दे सकत। वो आएगा, आएगा, जरूर आएगा और अपनी बीवी को ले जाएगा। कौन किसकी बीवी को ले जाएगा? कोई नहीं साहब कोई नहीं, ये पारो अपने घर वाले की बात कर रही है साहब। ठीक है, नीचे गाड़ी में मेरा सामान रखा है, लेके आओ जाओ। अच्छा साहब मेरे पीछे कोई आया तो नहीं था? हमका नहीं मालूम। मैं कमरे में जा रहा हूँ, मेरा कमरा तो ठीक कर दिया है। हमका ये हो नहीं मालूम। ओह माय गॉड। हाँ मैम साहब आप जिसे, अरे पारो तू यहाँ क्या कर रही है? ये ले सामान अंदर रख के आ। जाती हूँ। अच्छा बोल क्या बोल रहा था? हाँ मैम साहब आप जिसे लफंगा समझ रही थी असल में वो समरेश साहब का दोस्त था। अब उन्होंने कहा है
कि आपको लेने के लिए उसकी लड़की आएगी। उसकी लड़की? फ्रेंड नीना विश्वास। उन्होंने कहा है कि आप एमडी साहब से बराबर झूठ बोलती रहें और बड़े साहब के बहकावे में ना आए, वो आती ही होगी। कौन आया था? टेलीफोन। किसका टेलीफोन? मैम साहब की सहेली का साहब। हाँ, मेरी सहेली विश्वास, नीना विश्वास, वो यहाँ आएगी, आती ही होगी। तुम सच कह रही हो? मैं कुछ नहीं जानती, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। ताकि कोई भूखा भेड़िया आकर तुम्हें दबोच ले, जैसे वो आया था लफंगा। वो लफंगे नहीं थे, मेरे पति के दोस्त थे, रंगकर्मी हैं। अरे मैं सब ऐसे कुकर्मियों को जानता हूँ। साहब हम और पारो बाजार जा रहे हैं। मेन साहब आपको कछु मंगवाना तो नहीं? नहीं नहीं, इन्हें कुछ नहीं मंगवाना और मुझे भी कुछ नहीं मंगवाना। आप लोग जल्दी जाइए और जल्दी आइए। अच्छा साहब। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, मैं जरा फ्रेश हो लूं। हेलो हेलो, मुझे नीना विश्वास कहते हैं। नीना नीना, मैं हाय नीना। हाय मीनू। हाँ तूने मुझे फोन किया था ना? फोन? हाँ किया था। हाँ मैं जरा रानी खेत चली गई थी आपके साथ। इनके साथ? माफ कीजिएगा, आप लोग बैठकर बात कर सकती हैं क्या? Why not? आप लोगों की खोखली हंसी बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानती हैं। जी हाँ, ये भी इलाहाबाद की रहने वाली है। यहाँ क्या कर रही हैं? अपने मामा से मिलने आई हूँ। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि ये यहाँ आई हुई हैं? अब मैंने तुझे चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी? हाँ मिली थी ना तुझे? चिट्ठी में ये भी लिखा होगा कि तुम इस डाक बंगले में ठहरोगी। हाँ तभी तो फोन किया था मैंने। क्यों किया था ना? फोन? हाँ किया था किया था। आप दोनों औरतें होते हुए भी काफी अकलमंद हैं। आप नैनीताल तो आती ही रहती होंगी? जी नहीं, पहली बार आई हूँ। हनीमून पर आई होंगी? जी नहीं। शादी हो गई? जी नहीं। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी इनके साथ एक हादसा होने जा रहा था, मैंने इन्हें बचाया। पूछो पूछो इनसे। क्या? अरे कुछ नहीं, दरअसल तेरे जीजा जी है ना, तो उनके एक दोस्त आए थे मुझे लेने, तभी इन्होंने एक डरावना किस्सा सुना दिया। मैं डर गई और उनके साथ जाने से इनकार कर दिया बस। और ये तुम्हें रानी खेत ले गए? बकवास बंद करो। आखिर ये लगती क्या है मेरी, सिर्फ ये सोचकर अबला है, मासूम है, मैं इसकी मदद कर रहा था। वरना मैं मैन ऑफ करेक्टर, अपने करेक्टर के बल पर ही एमडी बना हूँ। पूछो इसे, पूछो ये आत्महत्या कर रही थी कि नहीं? नहीं, अरे नहीं। अरे कम से कम एक बार तो सच बोलो। दरअसल मेरे कमरे में खटमल थे और इसके लिए मैंने खटमल मार दवाई मंगाई और इन्होंने समझा कि और मीनू मीनू रो मत, रो, चुप हो जा। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। देखिए आप परेशान मत होइए, मैं इसे अपने साथ लिए जा रही हूँ, वहाँ ना खटमल है ना खतरा। आप इसे कहाँ ले जाएंगी? अपने मामा के यहाँ। हाँ मामा जी, मामा। ठीक है, जरा फोन नंबर दीजिए, मैं उनको जरा फोन कर लूँ। फोन उनके यहाँ फोन नहीं है जी? हाँ पहले था, मगर पड़ोसियों ने इतना परेशान किया कि तंग आकर उन्होंने कटवा दिया। फिर आपने फोन कहाँ से किया था? पब्लिक बूथ से। तुम्हें कैसे मालूम? इसने बताया था। कब बताया था? क्या फोन तुमने रिसीव किया था? नहीं। क्या ये जरूरी है कि औरतें अपनी हर बात मर्दों के सामने बताएं? नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। फिर क्या था आपका मतलब? मैं चोर हूँ, उचक्की हूँ, लफंगी हूँ, आपसे झूठ बोल रही हूँ? जी नहीं, ये मैं नहीं जानता कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम दोनों में से एक झूठ जरूर बोल रहा है। अभी आप सुन रहे थे नाटक हाय मैं क्या करूं का भाग तीसरा, जिसके लेखक थे विवेक चटर्जी। इस नाटक का भूमिका अनुसार पात्र परिचय इस प्रकार है: मीनाक्षी पूजा काटेकर, समरेश हिरेन ठक्कर, रघु अक्षय आकाश, पारो और नीना विश्वास, अनुप्रिया सक्सेना, विनय राकेश साहू, पार्वती शंकर के गोस्वामी और एमडी अनिल सक्सेना। इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थीं तनुजा कानडे।
ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।